नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। संघ के सह प्रचारक डॉक्टर सुनील अंबेडकर और डॉक्टर योगेंद्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा दो बाबरची भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर का इलाज सफदरगंज अस्पताल में चल रहा है। कोरोना के मामले सामने आने के बाद उदासीन आश्रम, जो फिलहाल दिल्ली में संघ का दफ्तर है, उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के मंत्रालय के दफ्तरों में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को अलग अलग मंत्रालयों के कई कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली स्थित वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले DPIIT का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उद्योग भवन का एक कॉरिडोर सैनिटाइजेशन के लिए बंद कर दिया गया। संबंधित कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि इसके पहले BJP प्रवक्ता संबित पात्रा को भी कोरोना के लक्षण पाए गए थे। तो ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आज की खबर।